दोस्तों समय काम चैप्टर में महिला पुरुष या महिला बालक से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछता है क्वेश्चन कहता है तीन पुरुष या सात महिलाएं एक कार्य को बत्तीस तो और पांच महिलाओं को दोगुना कार्य करने में कितने दिन लगेंगे अब देखिए इस सवाल का फॉर्मेट दो तरह से आता है जैसे यहां लिखा हुआ है कि तीन पुरुष या सात महिलाएं कहीं कहीं मिलेगा आपको तीन पुरुष और सात महिलाएं वैसा सवाल भी नेक्स्ट करेंगे आइए इसको समझते हैं कहता है कि तीन पुरुष इसको मेल लिख देते हैं या मतलब क्या हो गया बराबर सात महिलाएं क्या हो गया सात फीमेल कि वुमेन अगर हम यहां से एक मेल का मान निकालते हैं अब देखिए यहां पे जो मान दिया गया है पुरुष में सात है और महिलाओं में पांच है अगर हम एक मेल का मान निकालेंगे तो ये सात बटा तीन दोस्तों क्या हो जाएगा विमेन हो जाएगा लेकिन इससे क्या होगी काटने थोड़ा दिक्कत होगी एक काम करते हैं हम सबको जो है विमेन चेंज कर देते हैं अगर हम एक विमेन की बात करें तो ये सात नीचे आ जाएगा तीन बटा तीन बटा सात मेल हो जाएगा एक विमेन का मान कितना हो गया तीन बटा सात मेल अब देखिए अगर हम लोग यहां पे मान रखते हैं सात मेल और पांच फीमेल अब जहाँ फीमेल है वहां पे हम क्या रख सकते हैं ये वाला मान रख सकते हैं तो सात मेल प्लस पाँच गुने तीन बटा सात मेल ये वाला मान कहाँ रख दिए वीमेन के पास ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो उसमें कितना होगा उनचास मेल प्लस ऊपर में तो पाँच या पंद्रह मेल है ही और नीचे सात तो दोस्तों ये बन गया आपका उनचास और पांच कितना हो गया चौवन और दस चौसठ चौसठ मेल बटा सात इतना हो गया आपका मेल का मान तो अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब यहां से क्या करना वो ध्यान दीजिएगा तीन मेल किसी काम को बत्तीस दिन में एक काम को करता है तो अब इतना मेल यानी चौसठ बटा सात मेल कितने दिन में दोगुना कार्य को करेगा तो जब दोगुना होगा तो कार्य नीचे दो हो जाएगा ये सात जब नीचे आएगा तो ये सात यहां गुना होकर के चौदह बन जाएगा अब अगर ऊपर देखें तो भाई बत्तीस से पूरा पूरी कट जाएगा दो बार में और ये दो से पूरा पूरी कट जाएगा सात बार में अगर हम इधर से गुना करें ये मेल और मेल कैंसिल यहां से यहां गुना करें तो वाट बराबर सात या इक्कीस यानी इक्कीस दिन में यह काम कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन देखिए दिया गया होगा इक्कीस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ठीक है एलिगेशन में अनुपात का प्रयोग जबरदस्त ढंग से होता है इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझिए मिश्रण में अगर पूछेगा तो यह टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहता है 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 27 अनुपात 5 में है कितने लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात तीन अनुपात एक हो जाएगा इस सवाल को बनाने के लिए कई लोग एक्स मान सकते हैं लेकिन एक्स मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप ध्यान समझिएगा मिश्रण दोस्तों कितना है अस्सी लीटर क्या क्या है इसमें दूध और पानी मिल्क और वाटर दूध 27 हिस्सा और पानी पांच हिस्सा यही है कहता है कि इसको कितना कर देना है इसमें इसको कर देना है तीन अनुपात एक ध्यान रखेंगे तीन अनुपात एक कर देना है पानी और मिलाने पर ठीक है तो अब ये देखते हैं कि भाई अगर हम मिला रहे हैं पानी को ध्यान दीजिएगा अगर हम मिला रहे हैं पानी को तो दूध की मात्रा ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए दूध जितना था उतना ही होना चाहिए तो सत्ताईस के बराबर लाने के लिए क्या हम इसको पूरे को नौ से गुना कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा नौ समझ हो रहा है ठीक है अब अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में अंतर दोस्तों कितना है बताइए इन दोनों के बीच में अंतर हो गया चार भाग ठीक है यानी पानी कितना बढ़ रहा है चार भाग अगर हम चार भाग का मान निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा सत्ताईस और पांच इस अस्सी में सत्ताईस हिस्सा क्या है दूध है और पांच हिस्सा क्या है पानी है तो सत्ताईस और पांच बत्तीस हिस्सा का मान बत्तीस हिस्सा का मान कितना है अस्सी है तो क्या एक भाग का मान अस्सी बटा बत्तीस लिख सकते हैं कि नहीं और निकालना कितना है चार भाग का है? तो इसको चार से गुना कर दो यहां से काटोगे आठ बार में और यहां से काटोगे दस बार में तो हम ये कह सकते हैं कि पानी अगर हम दस लीटर और मिला देते हैं तो अनुपात कितना हो जाएगा तीन अनुपात एक हो जाएगा इसमें ध्यान ये रखना है कि जिसको नहीं मिला रहे हैं या फिर नहीं घटा रहे हैं उसको बराबर करना है ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप इसको रिपीट कर लीजिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है दोस्तों आजकल के एग्जाम में बट्टा से एक सवाल आता है इसके कहते हैं अनुक्रमिक बट्टा या तो समतुल्य बट्टा अंग्रेजी में कहे तो इक्वी डिस्काउंट ये सवाल दिया गया है दस परसेंट और बीस परसेंट दो अनुक्रमिक बट्टा यानी कितनी एकल छूट के बराबर होगी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी दो या तीन बट्टा दिया रहेगा सबको जोड़कर एक ऑप्शन जरूर दिया जैसे यहाँ दिया हुआ है तीस तीस आपका आंसर कतई नहीं होगा अनुक्रमिक बट्टा में जोड़ने पर जो भी मान आए उससे कम ही बट्टा होगा यह ध्यान रखिएगा तो इसका सिंपल तरीका है जब दो बट्टा दिया जाए तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा एक सौ ये दो बट्टा दिया जाए उसके लिए ज़्यादा दिया रहेगा क्या करना है वो भी समझा देते हैं तो बट्टा है तो माइनस होगा दोस्तों पहले कितना है दस फिर माइनस बीस माइनस माइनस प्लस दस गुना बीस और नीचे एक सौ ये यहाँ से कट गया दस और बीस जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस तीस और प्लस दो आपका मान दोस्तों आ जाएगा माइनस यही होगा टोटल डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट लेकिन अगर दो से ज्यादा रहे तब क्या कर सकते हैं तो उसका एक सिंपल तरीका होता है एक सौ माइनस एक सौ गुना एक सौ माइनस ए बटा हंड्रेड और गुने एक सौ माइनस बी बटा हंड्रेड और गुना एक सौ माइनस सी बटा हंड्रेड इस प्रकार से यह आगे जाएगा जितना भी बट्टा दिया रहे तीन चार पांच आप सी डी ई करते चले जाएंगे आप कोई दिक्कत नहीं बन जाएगा लेकिन अगर ये दो बट्टा दिया रहे तो यह प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है यह थोड़ा सा आसान फिट बैठता है ठीक है आई बात समझ में दोस्तों क्षेत्रमिति का एक टॉपिक है सम चतुर्भुज बहुत ज्यादा पूछता है इससे क्वेश्चन कहता है यदि तेरह सेंटीमीटर भुजा वाले सम चतुर्भुज से आप रोमबस कहते हैं का एक विकर्ण दस सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा बहुत ही आसान सवाल है ध्यान समझिएगा देखिए सम चतुर्भुज मतलब समझिए क्या होगा देखिए एक आप पढ़े हैं वर्ग वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर और इसमें भी क्या होता है चारों भुजाएं बराबर अंतर क्या है कि अगर हम वर्ग का कोना पर अगर खींच के एक लात मार देंगे तो वो कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा ऐसा टेढ़ा हो जाएगा नहीं होगा और ये आकृति क्या बन जाएगा समचतुर्भुज तो इसमें एक विकर्ण ये वाला है और एक विकर्ण ये वाला है इसका सब भुजा बराबर है तो भाई हम सबको तेरह लिख सकते हैं ठीक है सबको तेरह लिख सकते हैं और यहाँ जो जहाँ दोनों काट रहा है इस जगह पर हर एक तरफ में 90 डिग्री का एंगल बनता है इसको आपको ध्यान रखना है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अब हम इसमें से अगर इसको हम दस मानते हैं तो ये आधा पांच और ये आधा पांच हो जाता है क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हिस्सों में बट भी जाते हैं अब देखिए अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें किसी भी एक का बात कर लीजिए हम इसकी बात करते हैं अगर एक पांच है और ये तेरह है तो एक भुजा बारह होगी समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट के अनुसार ठीक है तो अगर ये बारह हुआ तो ये भी बारह होगा क्योंकि बराबर हिस्सा में टूटता है तो पूरा का पूरा विकर्ण का मान दोस्तों कितना हो गया चौबीस सेंटीमीटर कुछ लिखना नहीं है बस फिगर में ही आप पूरा काम कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अगर इसमें हम लोग चौबीस पॉइंट दो को अगर पच्चीस मान के भी चले मोटा मोटी तो पच्चीस का अगर सोलह परसेंट देखें तो ये लगभग चार यानी चार ही आता है तो चौबीस पॉइंट दो का सोलह परसेंट कितना होगा लगभग चार होगा और दो पॉइंट समथिंग का अगर हम दस परसेंट अगर दो का ही दस परसेंट निकालते हैं तो जीरो पॉइंट में आ जाता है इसका मतलब है कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर चार पॉइंट समथिंग आना चाहिए ठीक है तो अगर आप ऑप्शन गौर करें तो पहला ऑप्शन दिया है चार सौ इकतालीस पॉइंट तो काफी ज्यादा हो गया इसको काट देंगे सेकंड बोला है जीरो पॉइंट भाई जीरो पॉइंट में होगा ही नहीं चार पॉइंट समथिंग में होना चाहिए और चौथा बोलता है इकतालीस पॉइंट एक चार तो भाई ये भी काफी ज्यादा हो गया ठीक है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है चार पॉइंट एक एक चार ये हमारा सही ऑप्शन बनेगा और ये एग्जाम में पूछा गया है तो आपका अप्रोच ऐसा कुछ होना ही चाहिए दोस्तों आपके सामने सरलीकरण का एक सवाल है और इस सवाल में प्रतिशत और दशमलव का प्रयोग किया गया है ये सवाल जब आप में से कोई भी देखेगा तो कैलकुलेशन बड़ा ही टेढ़ा है लेकिन अगर इस सवाल को पांच से छह सेकंड में अगर सॉल्व कर पाए तो कितनी आसान होगी आइए क्वेश्चन देखते हैं पहले कहता है चौबीस पॉइंट दो का का मतलब गुना सोलह परसेंट और, और मतलब कि जोड़ देना होगा टू पॉइंट फोर टू का मतलब गुना दस परसेंट अब दोस्तों इस सवाल का अगर हम आंसर निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल लॉजिकल आंसर निकलेगा बिना कैलकुलेशन का दोस्तों अगर इसमें हम लोग चौबीस पॉइंट दो को अगर पच्चीस मान के भी चलें मोटा मोटी तो पच्चीस का अगर सोलह परसेंट देखें तो ये लगभग चार यानी चार ही आता है तो चौबीस पॉइंट दो का सोलह परसेंट कितना होगा लगभग चार होगा और दो पॉइंट समथिंग का अगर हम दस परसेंट अगर दो का ही दस परसेंट निकालते हैं तो जीरो पॉइंट में आ जाता है इसका मतलब है कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर चार पॉइंट समथिंग आना चाहिए ठीक है तो अगर आप ऑप्शन गौर करें तो पहला ऑप्शन दिया है चार सौ इकतालीस पॉइंट काफी ज्यादा हो गया इसको काट देंगे सेकंड बोला है जीरो पॉइंट भाई जीरो पॉइंट में होगा ही नहीं चार पॉइंट समथिंग में होना चाहिए और चौथा बोलता है इकतालीस पॉइंट एक चार तो भाई ये भी काफी ज्यादा हो गया ठीक है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है चार पॉइंट एक एक चार ये हमारा सही ऑप्शन बनेगा और ये एग्जाम में पूछा गया है तो आपका अप्रोच ऐसा कुछ होना ही चाहिए अगर इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से और बिना कलम उठाएगा बना लें तो कितना मजा आएगा तो आप थोड़ा तो ध्यान रखिए और देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कहता है तीन हजार और चार हजार के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो तीस छत्तीस और अस्सी से पूरी पूरी विभाजित है यानी हमको एक संख्या ढूंढना जो कि तीन हजार और चार हजार के बीच होना चाहिए तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो चारों ऑप्शन इन दोनों के बीच में ही है पहला ऑप्शन है पैंतीस दूसरा है छत्तीस तीसरा है आपका छत्तीस और चौथा है आपका बत्तीस पचास बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अगर कोई संख्या तीस से भी कटता है छत्तीस से भी कटता है और अस्सी से भी कटता है तो आप देखिए कि इन तीनों में से एक ऐसी संख्या है छत्तीस जो कि नौ से कटता है और जो संख्या छत्तीस से कटेगा वो संख्या नौ से भी कटेगी अगर इन चारों में अगर हम देखें तो इसमें से नौ से कटने वाला केवल एक ही संख्या है और वो है छत्तीस सौ पता कैसे करेंगे भाई इन दोनों में तो जोड़ के चेक करते हैं छ दो आठ और पांच तीन आठ सोलह वो नौ से नहीं कटता है पांच दो सात और तीन दस नौ से नहीं कटता है पांच और तीन आठ नौ से नहीं कटता है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो इस तरह का भी सवाल आपके एग्जाम में होता है जहां पर कलम उठाने आवश्यकता नहीं है समय ऐसे एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चन से ही बचता है ठीक है आइए इसका ऐसा ट्रिक सिखा दें ताकि पांच से छह सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कहता है एक व्यक्ति को निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है उसे पता चलता है कि यदि वह तीन किलोमीटर प्रति घंटा की चार से गति से चले तो वह बीस मिनट की देरी से पहुंचेगा किंतु यदि वह चार किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह दस मिनट पहले पहुंच जाएगा तो उसे दूरी बताना है कि भाई उस व्यक्ति का तो उस व्यक्ति को कितनी दूर चलना है इसका एक बेहतरीन ट्रिक है जिससे कि आप डिस्टेंस निकालते हैं दूरी निकालते हैं इसका तरीका है कि जो भी आपको गति दिया गया है उसे आप गुना करेंगे तो पहले तीन था बाद में चार इस गति का अंतर लेंगे आप तीन और चार का अंतर एक और अगर एक बार देर एक बार पहले पहुंचा है तो समय को जोड़ेंगे अगर दोनों बार पहले पहुंच जाए तो समय को घटाएंगे अगर दोनों बार पहले देर से पहुंचे या दोनों बार पहले पहुंच जाए तो घटाएंगे तो यहां क्या है एक बार देर है एक बार पहले है जोड़ देंगे बीस और दस तीस इसको साठ से भाग कर इसलिए साठ से भाग कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है ये काटेंगे यहां पे यहां से काटेंगे आंसर आएगा कि उस व्यक्ति को छह किलोमीटर चलना है आइए इस पर एक और सवाल देखते हैं दोस्तों इस सवाल को पहले आप खुद ट्राई कर ले तुरंत मैंने इसका सुनाया है आपको एक छात्र अपने विद्यालय ढाई किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर छह मिनट देरी से पहुंचता है यदि वह तीन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह दस मिनट पहले पहुंच जाता है तो उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगी ट्रिक कहता है कि सबसे पहले उसके गतियों का गुना कर देंगे गति को तो ढाई किलोमीटर प्रति घंटा यानी पांच बटा दो कर सकते हैं और बाद में गति इसका तीन हो गया है और ढाई और तीन में अंतर दोस्तों कितना का है आधा का अब क्या करेंगे इसके समय को जोड़ेंगे पहले एक बार दस है और एक बार छ है एक बार लेट से एक बार पहले जोड़ देंगे हो जाएगा सोलह और दोस्तों यहां हो जाएगा साठ ये देखिए ऊपर भी भिन्न भी नीचे भी भिन्न भी ठीक है और इसलिए काट पाए क्योंकि पे गुना है अगर यहाँ पे जोड़ हो जाता तो हम काट नहीं पाते तुरंत ये ध्यान रखना ठीक है थीके? दो दो काट दिए पांच या पंद्रह चौक साठ और चार से काटेंगे चार बार में तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा चार किलोमीटर ठीक है और आजकल घड़ी में मिरर इमेज पूछने का तो ट्रेंड चल रहा है आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान ट्रिक से कहता है एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि सात बजकर बारह मिनट हुआ है घड़ी में सही समय क्या हो रहा है अब इसका बहुत ही आसान सा ट्रिक बता रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा देखिए जब भी आपको ऐसा दिया गया जहां पर कि आवर का भी टाइम घंटा का समय दिया हो और मिनट का समय दिया हो तो मिरर इमेज या रियल इमेज जो भी बनाना हो आप क्या करेंगे ग्यारह बजकर साठ मिनट लिखेंगे बारह नहीं ग्यारह बजकर साठ लिखेंगे और उसमें जो भी समय दिया गया है उसको घटा देंगे तो साठ में बारह गया अड़तालीस और ग्यारह में सात चला जाएगा तो बचेगा दोस्तों कितना चार तो आप देख रहे हैं कि आपका जो आंसर होगा वो होगा चार बजकर अड़तालीस मिनट ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है ठीक है क्वेश्चन कहता है मैंने एक धन पूर्णांक को अठारह से गुना किया और दूसरे को इक्कीस से उसके बाद दोनों गुणफलों को जोड़ दिया तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा और ऑप्शन दिया गया है दो 2008, 2006 और 2002। इसमें ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैंने ऑप्शन को लिखा है मान लेते हैं कि दो संख्या एक एक्स और एक वाई है आप कुछ भी मान लीजिए ए भी कोई दिक्कत नहीं है इसको 18 से गुना किया गया इसको 21 से गुना किया गया तो 18x एक्स और ये हो गया 21 है इक्कीस वाई कहता उसके बाद दोनों को मैंने जोड़ दिया अगर जोड़ दिए तो इससे हम कुछ कॉमन तो कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि दोनों से हम लोग कॉमन कर सकते हैं तीन अब ये वाला मान ये जो बीच का मान है ये आम इमली कटहल कुछ भी हो एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए लेकिन वो अल्टीमेटली लास्ट में तीन से गुना होकर के ही मान आने वाला है इसका मतलब है कि जो भी संख्या हमको यहाँ प्राप्त होने वाली है वो संख्या तीन से कटनी चाहिए अब तीन से कटने का नियम क्या होगा कि संख्याओं के अंकों को जोड़िए और अगर वो तीन से कट जाए तो वो तीन से कटेगी दो दो चार नहीं कटेगी छः दो आठ नहीं कटेगी आठ दो नहीं कटेगी सात दो नौ कट जाएगी ऐसी संख्या दो हजार सात हो सकती है ठीक है